हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाल एजुटेक में। दोस्तों, हम आ चुके हैं सेकंड पेपर जो पॉलिटिकल साइंस का बीए फार्ट सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 के अंदर जो मेन एग्जाम का पेपर है पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड, मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 60 नंबर, यानी कि 60 नंबर से आपको ज़्यादा नहीं करने हैं, इससे कम आप कर सकते हैं। टाइम अलाउ आपका 1.5 घंटे का रहने वाला है और कितने क्वेश्चन करने हैं ये आप निर्देश यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन करने हैं। कि प्रथम भाग में तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे भाग में 2 क्वेश्चन करने हैं 4 में से, और तृतीय भाग में आपको 2 प्रश्नों के कोई भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, यानी कि छोटे क्वेश्चन है फर्स्ट भाग में और सेकेंड भाग में, कुल मिला के आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे बात करेंगे किस प्रकार के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है दैवदेह शासन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट, इसका आपको शॉर्ट आंसर देना होगा इन पे प्रश्नों का। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं। ये पेपर मिल रहे हैं 2018-19 में जो आए हुए पेपर थे उसी में से भी मिल रहे हैं। मैंने 2018-2019 का पेपर भी अपलोड किया है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, उन पेपरों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। सविनय अवज्ञा से आप, यानी कि सविनय अवज्ञा से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 क्या है, यानी कि जो आर्टिकल है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में धारा लग रही है उसकी। गणराज्य के बारे में आपको बताना है। सरकारी आयोग क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन इसके बारे में समझाना है, और धर्म निरपेक्षता के बारे में पार्ट आता है आपका सेकेंड। सेकेंड पार्ट में जो दूसरा क्वेश्चन है सत्याग्रह के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, इसका मैक्सिमम मार्क्स है 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्षेत्रवाद जातिवाद के बारे में समझाइए। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम को परिभाषित कीजिए। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भाग 3 जिसके अंदर खंड ए की बात करने वाले हैं। छठा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों और स्थितियों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 लोकसभा के संगठन एवं शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 भारत के निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जो खंड है इसके अंदर 10वां क्वेश्चन है राज्यपाल राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, परंतु कुछ अवसरों पर वह वास्तविक शासन भी बन जाता है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 आतंकवाद एवं नक्सलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार। तो यहाँ पे आपका सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो चुका है पॉलिटिकल साइंस का। तो फर्स्ट पेपर जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं, मेन एग्जाम का पेपर है शेकआउट इनिशिएटिव का जो आज ही पेपर हुआ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब को, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू।